दोस्तों ये बाइक पेट्रोल भर भर के पी रही है और इसमें कुछ एक काम किया गया था जिसमें कि 1000 पे खर्च हो चुका है। इसके बाद फिर मेरे पास आए हुए हैं तो मैं इसे चेक करके देखने जा रहा हूँ कि क्या काम करना होगा। पल्सर 150 BS6 मॉडल है और इस बाइक में एक TPS सेंसर लगाया गया है। इससे पहले मीटर में चेक लाइट जल रहा था जिसमें कि मशीन के द्वारा चेक किया गया, तो उसको इसके ऊपर शक हुआ या फिर इसका फॉल्ट दिखा तो उन्होंने ये TPS सेंसर लगा दिया और अब भी इसमें एक चेक लाइट जल रही है गाइस। तो वो चेक लाइट क्या चीज़ का है वो आप लोगों को बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले बताना चाहता हूँ कि इस बाइक में अभी दिक्कत क्या हो रही है। एक तो सेंसर के द्वारा धुआं दे रहा है, वाइट धुआं जो दे रहा है गाइस वो वाइट नहीं, वो ब्लैक वाला दे रहा है, वाइट स्मोक नहीं ब्लैक स्मोक दे रहा है। और जब भी ब्लैक स्मोक सेंसर के द्वारा अगर निकलता है तो वो पेट्रोल ज़्यादा खाने की वजह से, और कस्टमर का ये भी शिकायत है कि हमारी बाइक पेट्रोल ज़्यादा खा रही है। अब किसी मैकेनिक से अगर मिलते हैं तो इसको ये कहा जाता है कि इंजन के अंदर में पिस्टन रिंग लगा लो, पिस्टन रिंग ख़राब हो गई है। तो हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि पिस्टन रिंग अगर ख़राब हो जाता है तो इसमें इंजन ऑयल घटता है और वाइट स्मोक देता है सेंसर के द्वारा। अगर ब्लैक स्मोक कभी भी आपकी बाइक देती है तो आप ये समझे कि हमारी बाइक पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा पी रही है। अब पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा पीने लगे तो इंजन से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें कई सारे सेंसर लगे होते हैं, ये TPS सेंसर हुआ, ये थ्रोटल पोजिशन सेंसर इसे बोलते हैं, थ्रोटल की जानकारी ये बहुत ही इजी तरीके से देता है ECU को, इसके द्वारा थ्रोटल की जानकारी मिलता है ECU कॉइल को, ठीक है। तो ये ख़राब है या नहीं ये तो खैर हम इसको लगाकर चेक नहीं करेंगे, बाकी अभी मैं दिखाना चाहता हूँ कि अभी जो ये चेक लाइट जल रहा है वो किस वजह से ये जल रहा है। ये देखिए ये चेक लाइट अब भी इसमें शो कर रहा है गाइस। मैंने बाइक को स्टार्ट किया, बाइक को स्टार्ट करने के बाद ये चेक लाइट बंद हो जाना चाहिए, इंजन चेक लाइट इसे बोलते हैं। इंजन में कोई गड़बड़ी आती है बाइक में ये लाइट शो करता है, ठीक है। तो सिंपली इसको हमें चेक करना है, चेक करने के लिए हमारे पास OBD स्कैनर टूल्स है और बगैर इस टूल्स के द्वारा आप चेक कर ही नहीं पाएंगे। आप भी अगर एक मैकेनिक है, मैकेनिक भाई है, BS6 बाइक का काम करना चाहते हैं तो आपको ये टूल्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसी टूल्स के द्वारा हम ये पता लगा पाएंगे कि ये चेक लाइट आखिर किस वजह से जल रही है, ठीक है। इससे पहले तो इसका एक बार TPS सेंसर चेंज कर दिया, अब पता नहीं उस समय दूसरा बीमारी था क्या था ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी मैं चेक करता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है क्योंकि ये चेक लाइट जलता है। यहाँ पे बजाज का हमने कपलर लगाया, ये ऑल टू ऑल बाइक का कपलर इसमें मिल जाएगा, जितने भी 2-व्हीलर 3-व्हीलर 4-व्हीलर तक का इसमें कपलर मिल जाता है और ये मशीन सभी बाइक में काम करेगी, सभी 2-व्हीलर 3-व्हीलर में काम करेगी। यहाँ से ओके करके हम ये चेक करते हैं कि बाइक में क्या दिक्कत हुई है। ये कोड फॉल्ट 1 यहाँ पे बता रहा है, तो एक फॉल्ट इसमें शो कर रहा है गाइस। ओके करेंगे, यहाँ पे कोड नंबर आ रहा है P0130 सेंसर सर्किट बैंक 1 सेंसर इसमें लिखा हुआ है 02। दोस्तों ये कोड जो आप लोग देख रहे हैं P0130 कोड जो है ये आप गूगल पे सर्च कीजिए, फ़ोटो भी क्लिक कीजिए और आप लोगों को ये वाला सामान दिख जाएगा। जब भी आप ये चेक करेंगे तो आपको ये वाला सेंसर शो करेगा, ये वाला सेंसर। और गाइज अभी इसी सेंसर की वजह से चेक लाइट जल रही है इसकी बाइक में। और बताना चाहते हैं जब भी आपकी बाइक पेट्रोल ज़्यादा पीने लगे, पेट्रोल की सेटिंग गड़बड़ हो जाए, पेट्रोल अधिक खाने लगे तो इसी सेंसर में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है और यही सेंसर ख़राब होने की वजह से इसका जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, एयर जो निकल रहा है, जो धुआं निकल रहा है, ये सेंसर ECU को ये नहीं बता पा रहा है कि एग्जॉस्ट क्या दे रहा है, क्या धुआं दे रहा है, इसका टेम्परेचर कैसा निकल रहा है, वो ये सेंसर जानकारी नहीं दे पा रहा है ECU को। इसी वजह से अच्छे तरीके से पेट्रोल की सप्लाई नहीं कर पा रही है, शायद ज़्यादा पीने लगेगा या तो फिर बाइक में कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखने लगेगी आप लोगों को। तो चलिए हम इसे खोलते हैं, इसे सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको क्लीन करके देखेंगे। इसे क्लीन करने से अगर ये ठीक हो जाता है तो सही है, वरना आपको ये चेंज करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस सेंसर को बाहर निकाल दिया और देखिए इस सेंसर में चारों तरफ सुराख होता है और ये सुराख पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है, ये देखिए बंद हो गया है। तो इसे में क्या करना है हमें क्लीन करना है। गाड़ी मोबाइल बदल क्यों रहा।
ये WD-40 है, इसके द्वारा हम डस्ट को क्लीन करते हैं। चलिए अब मुझे उस कोड को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हमें क्लियर DTC पे हमें ओके करना होता है। चलिए अब बाइक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वाला चेक लाइट बंद हो चुका है, इसका जो फॉल्ट कोड था वो रिमूव हो गया। लेकिन अब मुझे एक दो बार और चेक करना है, दो बार स्टार्ट करके फिर से, तो वो नहीं आता। अगर फिर से वो आ जाता है या फिर एक दो दिन के बाद भी अगर वही कोड फिर से अगर यहाँ पे शो करने लगा तो फिर हमें वो सेंसर बदलना पड़ेगा जो मैंने अभी क्लीन किया उस सेंसर को। ठीक है, इसको एक दो बार हम चेक करते हैं पहले। बजाज पल्सर बाइक में ये फॉर्म फिल्टर लगता है, फॉर्म फिल्टर जब भी आप। तो फाइनली दोस्तों मैंने इस बाइक को ट्रायल लेकर देखा, चला कर देखा और फिर मैंने चेक करने लगा और हमने ये भी देखा कि मीटर पे ये चेक लाइट वापस फिर से जलने लगी है। और फिर जब मैंने मशीन लगा तो मशीन में भी ये चेक लाइट शो करने लगा, ये फॉल्ट कोड शो करने लगा। इसका मतलब है कि वो जो ऑक्सीजन सेंसर है वो ख़राब है और उसे बदलना ही पड़ेगा और उसका कीमत 2500 रुपये है। दोस्तों आपके बाइक में भी अगर यही शिकायत है, यही फॉल्ट दिख रहा है तो आपको अपनी बाइक एजेंसी ले जाना चाहिए। एजेंसी में हो सकता है कि आपको फ्री में ही वो सेंसर लगा कर दे देगा। तो इसका ऑक्सीजन सेंसर ख़राब है, उसे बदलना होगा। और इसके कीमत की अगर बात करें तो 2500 रुपये कीमत है। मैंने क्योंकि पता लगाया भाई, बजाज की जो होलसेलर है उन्हीं से पता लगाया, बाकी आप भी पता है कितना कीमत होती है।